नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थानी पतले गट्टे की सब्जी। ये कटोरी बेसन लिया है, उसमें एक चम्मच अजवाइन क्रश करके, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक टेस्ट अनुसार, दो चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गुनगुने पानी से इसको आटा लगाएंगे। अब इस डो को अपने को नॉर्मल तैयार करना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है। ये देखिए अपना डो अच्छे से तैयार हो गया। अब इसके अपन गट्टे बनाएंगे पतले पतले, ये ऐसे। ये सारे गट्टे अपने इस तरह से तैयार कर लिए। दूसरी साइड अपन ने एक कढ़ाई में पानी डाला और उसको अच्छे से बॉईल किया। दो दो इंची के अपन ये काट के धीरे धीरे इस उकलते हुए पानी में बॉईल करेंगे। ओके, ये गट्टे इसमें बॉईल करेंगे और ये अपने अच्छे से पकाएंगे। धीरे बॉईल हो रहे हैं, जब सारे गट्टे पे बबूल जैसे आ जाए तब समझना अपने गट्टे सारे बॉईल हो गए। दूसरी साइड अपन दही के साथ मसाला तैयार। ये लिया एक कटोरी दही, इसमें डाला अपन ने स्वाद अनुसार नमक, अब डाली आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अपना दही में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये दही में सारे मसाले ऐड किए अपन ने, ये दो लाल मिर्ची साबुत, तेज़पत्ता लौंग, ये अदरक बारीक कटी हुई, ये एक हरी मिर्ची, दो बारीक कटे हुए प्याज, ये लहसुन कुटा हुआ, ये एक टमाटर क्रश किया हुआ, ये हरी अजवाइन की ग्रीन पत्तियाँ, इनको बारीक बारीक काट के अपन ये सब्जी में प्याज के साथ ऐड करेंगे। तेल डालेंगे, ये अपना तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें एक चम्मच जीरा डाला, ये चुटकी भर हींग और सरसों डाले, दो लाल मिर्च, दो लाल मिर्ची, करी पत्ता, और अब इसमें डाला लहसुन, लहसुन ये अदरक, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हल्का ब्राउन करने के बाद प्याज बारीक कटे हुए, ये अजवाइन की हरी पत्तियाँ, इससे सब्जी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। इनको थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे, इसको चुटकी भर हल्दी, जिससे सब्जी का कलर सुंदर आए। ये अपने अच्छे से ब्राउन हो गए, ये प्याज फ्राई हो गए। अब इसमें हमें डालेंगे टमाटर क्रश किया हुआ, ये टमाटर अच्छे से फ्राई होने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब ये डाला अपन ने दही का मसाला,
इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, नहीं तो दही इसमें पड़ जाएगा। इसमें थोड़ा पानी ऐड करके कटोरी में सारा मसाला ले लेंगे। कितना सारा मसाला काम आ गया, इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, ये अपनी सब्ज़ी पकने लग गई है, कटोरी मसाले सब अच्छे से पक गए और इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया इसने। ये देखिए, ये सब्जी का कलर बहुत ही सुंदर आया है। ये अपनी प्योरी तैयार होगी। अब इसमें अपन गट्टे डालेंगे। इसका पानी अपन ने अच्छे से निकाल दिया है, ये अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अपनों को थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा है और थोड़ी अपने ग्रेवी चाहिए, तो ये उबला हुआ पानी इसमें ऐड करेंगे गट्टे में। गट्टे जिसमें उबाले थे वो पानी अपने इसमें ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट पकाएंगे और ये अपनी सब्ज़ी गट्टे की तैयार हो गई है।